चलो भाई अब देखो बेटा तुम्हें आसान तरीका सिखाऊंगा। कल जो बच्चे आए थे या वीडियो देखी होगी तो चार्ज और वोल्टेज निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। आज मैं इतना आसान तरीका सिखा रहा हूँ जिसे बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस करके देखो, टिपिकल से टिपिकल सर्किट में चार्ज और वोल्टेज आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। तो मेरे बेटा पहले कुछ बातें KVL फॉर कैपेसिटर्स। मैंने अब तक आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है? मैंने आपको पढ़ाया है कि बेटा जो कैपेसिटर होता है एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे पर नेगेटिव। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा Q/C, V इज इक्वल टू Q/C। ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है मेरे बेटा? V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस दो पॉइंट का होता है। यदि बेटा इसके लेफ्ट वाला पॉइंट है A, राइट वाला पॉइंट है B, तो कायदे में लिखना चाहिए VA-VB इज इक्वल टू Q/C। मुझे लिखना चाहिए VA-VB इज इक्वल टू Q/C, यानी कैपेसिटर के पहले का पोटेंशियल और कैपेसिटर के बाद का पोटेंशियल, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C। और साथ में या फिर हम लिख सकते हैं VB-VA इज इक्वल टू -Q/C। अच्छा यहां पर एक बात और क्लियर करनी पड़ेगी भाई, VA-VB को +Q/C क्यों लिखा और VB-VA को माइनस क्यों? मुझे बताओ A पॉइंट पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है या B पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्टेड? यदि A पॉइंट पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो वो हायर पोटेंशियल है। पॉजिटिव मींस हायर, नेगेटिव मींस लोअर। A पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो हायर पोटेंशियल है, B नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वो लोअर पोटेंशियल है। यदि A हायर है B लोअर है तो हायर में से लोअर को माइनस करके पॉजिटिव बचेगा और लोअर में से हायर को माइनस करके नेगेटिव बचेगा, लोअर में से हायर को माइनस करके नेगेटिव बचेगा। तो इसीलिए VA-VB को तो +Q/C और VB-VA को -Q/C। दूसरा नंबर पर आती है बैटरी। मेरे बेटा एक बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है। सपोज आई हैव अ बैटरी हैविंग वोल्टेज 10 वोल्ट, तो हम लोग यूजुअली लिख देते हैं V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये फिर गलत है। 10 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। कायदे में मुझे V इज इक्वल टू 10 नहीं लिखना चाहिए। इसके लेफ्ट में पॉइंट है P, राइट में पॉइंट है Q, तो मुझे लिखना चाहिए VP-VQ इज इक्वल टू 10 वोल्ट या लिखना चाहिए VQ-VP इज इक्वल टू -10 वोल्ट। पोटेंशियल्स का डिफरेंस 10 या -10। फिर बात उठती है कि आपने किसी एक को प्लस और दूसरे को माइनस क्यों कहा। बैटरी और कैपेसिटर में अंतर यह है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट बराबर साइज की होती हैं, बैटरी में एक बड़ी एक छोटी। जो बैटरी की बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होती है और जो छोटी प्लेट होती है वो निगेटिव पोटेंशियल होती है। तो यदि बेटा ये बिगर प्लेट है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है। तो बताओ कौन सा हायर पोटेंशियल है बेटा, ए या बी? ए हायर या बी हायर? कैसे पता है ए हायर है? बिगर प्लेट से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। यदि ये बिगर प्लेट से जुड़ा हुआ है तो बेटा ये पी हायर है क्यू लोअर है। यदि बेटा P हायर Q लोअर तो VP-VQ यानी हायर माइनस लोअर, और हायर में से लोअर को माइनस किया तो +10 और लोअर में से हायर को माइनस किया तो -10। अब मैं बेटा दो एक फटाफट पूछूंगा फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूं। बेटा अंदर आप भी आगे आ जाओ, वहां पर लेजीनेस आ जाएगी। ये शैतानी कर रहा है ना भैया, नहीं बिल्कुल रिलैक्स, सारा सुनना है। चलो
अब बेटा देखो इससे अगला पॉइंट मैं अब दो तीन पूछूंगा, पहले बताओ कैपेसिटर के केस में कौन सा हायर पोटेंशियल होता है? पॉजिटिव। बैटरी के केस में बिगर प्लेट। कैपेसिटर में कौन सा हायर पोटेंशियल और बैटरी में बिगर प्लेट? अब मैं ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बेटा चार्ज है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, कैपेसिटर है सी वन, धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये है सी टू, ये बैटरी है बेटा मेरे पास 10 वोल्ट की, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी, टर्मिनल डी, जल्दीबाजी किए बगैर वीए माइनस वीबी, वीबी माइनस वीसी, वीसी माइनस वीडी आपको बताने हैं। तो जब भी कैपेसिटर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यों कौन सी, बैटरी होती है तो बैटरी की वोल्टेज ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर होता है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है क्यू अपॉन सी, फिर से कैपेसिटर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी है तो उसकी वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मुझे बताइए ये क्या है, कैपेसिटर या बैटरी? कैसे पता चला? इक्वल प्लेट। यदि ये कैपेसिटर है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्यू अपॉन सी वन। क्या होगा बेटा? अब मुझे बताइए, अभी रुक जाओ, जल्दी नहीं कर रहे। ए पॉइंट पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, बी पॉइंट नेगेटिव से कनेक्ट है, तो कौन सा हायर पोटेंशियल है, ए या बी? यदि ए हायर है बी लोअर है, अब आ जाइए वीबी माइनस बीसी। जब मैं कहूं वीबी माइनस बीसी तो सारा ध्यान बी और सी के बीच में लगा दो, बी और सी के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, यदि बेटा बी और सी के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, फिर क्यू अपॉन सी, लेकिन क्यू अपॉन सी टू, चार्ज हमेशा पॉजिटिव वाला लेना, निगेटिव नहीं। अब प्लस और माइनस, बी किससे अटैच है? पॉजिटिव। सी किससे अटैच है? निगेटिव। तो मेरे बेटा हायर पोटेंशियल कौन सा है? बी। लोअर पोटेंशियल कौन सा है? सी। तो यदि B हायर है C लोअर है तो प्लस। अब VC माइनस BD, VC माइनस BD के बीच में कैपेसिटर होता तो मैं लिखता Q अपॉन C, बैटरी है तो 10, बैटरी की वोल्टेज ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरे पास जब कैपेसिटर होता है तो Q अपॉन C से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और जब बैटरी होती है तो उसकी वोल्टेज को ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं। अभी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए बेटा सी पॉइंट कौन सी प्लेट से कनेक्टेड है, स्मॉल या बिगर? और सी पॉइंट बिगर, डी पॉइंट बिगर। तो यदि सी स्मॉल यानी लोअर पोटेंशियल, डी हायर पोटेंशियल, तो ये लोअर में से हायर माइनस हो रहा है, गुड निगेटिव। मैं कहता हूँ इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, तो मेरे बेटा ऐड करोगे तो राइट साइड में आएगा क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू माइनस 10। लेफ्ट साइड में क्या आएगा बेटा? लेफ्ट साइड में आएगा वीए माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस बीसी प्लस बीसी माइनस वीडी। जब इन चारों को ऐड करोगे तो वीबी कट गया, बीसी कट गया, रह जाएगा वीए माइनस बीसी। अभी तक हमने टॉपिक शुरू नहीं किया है, अभी बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि जिस पर बेस्ड हमारे लूप इक्वेशन काम करती है। अब हम लूप इक्वेशन पर चलना शुरू करेंगे और फिर उसका शॉर्टकट बताएंगे। मेरा पहला एग्जांपल मुझे दिया गया है दो कैपेसिटर 2 फैरेड और 3 फैरेड, ये है 10 वोल्ट की बैटरी। मुझसे कहा गया कल वाला क्वेश्चन, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच। कल भी तो यही निकाल रहे थे चार्ज एंड वोल्टेज, लेकिन आज तरीका अलग होगा, आज मैं पोटेंशियल डिफरेंस से करूंगा। बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में भेजा चार्ज प्लस क्यू, अगले पर आया माइनस क्यू, माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इस वाले से इलेक्ट्रॉन लिए, जब इससे लिए तो उस पर आएगा प्लस क्यू, अगले पर आएगा, सब जगह चार्ज लिख दिया। टर्मिनल्स के नेम अपने आप रख दीजिए, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी, हर दो टर्मिनल के बीच में एक कंपोनेंट,
अब मैं आपसे जो पूछूंगा वो बताना, वी ए माइनस वी बी क्या है, वी बी माइनस वी सी क्या है, जल्दीबाजी करोगे तो उड़ जाएगा, और वी सी माइनस वी ए क्या है। सबसे पहले मैंने कहा वी ए माइनस वी बी, तो सिर्फ आप वो कंपोनेंट देखो जो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, तो आपको लिखना पड़ेगा क्यू अपॉन सी। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? क्यू अपॉन सी, और सी है टू, तो क्यू अपॉन टू। अब प्लस और माइनस का ध्यान रखो, प्लस क्यू जुड़ा हुआ है ए से, माइनस क्यू जुड़ा हुआ है बी से, यानी ए हायर पोटेंशियल है, बी लोअर पोटेंशियल है। यदि ए हायर है बी लोअर है तो हायर माइनस लोअर पॉजिटिव। इसी तरीके से बताएंगे वी बी माइनस बी सी, तो बी और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है? कैपेसिटर। तो जब मैं वी बी माइनस बी सी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? क्यू अपॉन थ्री, प्लस या माइनस। बी किससे अटैच है, पॉजिटिव से या नेगेटिव से? और सी किससे अटैच है? जब आप वी बी माइनस बी सी निकालो तो सिर्फ उस चीज पे ध्यान रखो जो बी और सी के बीच में है। बी और सी के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर है, तो उसी को देखो। तो कौन सा हायर पोटेंशियल हुआ? बी। कौन सा लोअर हुआ? सी। तो यदि बी हायर सी लोअर, तो हायर माइनस लोअर प्लस। अब आ जाइए बी सी माइनस बी ए। बी सी माइनस बी ए ऐसी चीज जो सी और ए के बीच में कनेक्टेड है, वो है बैटरी, सी और ए। तो अब दोबारा क्यू अपॉन सी नहीं लगेंगे, इस बार लिखेंगे बैटरी की वोल्टेज। बैटरी की वोल्टेज क्या है? 10। अब प्लस और माइनस, माइनस या प्लस, क्यू माइनस कह रहे हो बेटा? सी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ए पॉजिटिव से, तो लोअर और हायर, तो ये आ गया माइनस। सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल, तीनों को ऐड करो और आंसर निकाल लो। इन तीनों को ऐड करा जाए, ऐड करा जाए तो क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई थ्री माइनस 10, क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई थ्री माइनस 10 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी ए। बताओ, वी बी से वी बी कट गया, वी सी से वी सी कट गया, वी ए से वी ए कट गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। 10 को राइट, अब क्यों निकालना बाकी है, बड़े आसानी से आएगा। 10 को ले जाओ राइट में, ये एलसीएम ले लो तो 5/6, तो क्यू की वैल्यू आ गई 12 कूलम। और जैसे ही क्यू आया टेबल बना दो। कल जो हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया था, आज बड़ी आसानी से निकलेगा। पहला कैपेसिटर था 2 फैरेड, पहला कैपेसिटर था 2 फैरेड, उस कैपेसिटर का चार्ज था क्यू, कभी भी माइनस वाला नहीं बोलते, उस कैपेसिटर का चार्ज था क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी? 12 कूलम। दूसरा कैपेसिटर था बेटा हमारा 3 फैरेड, उस कैपेसिटर का चार्ज भी था क्यू, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो उसका चार्ज भी था क्यू, यानी कि 12 कूलम। मुझे पहले का चार्ज और दूसरे का चार्ज मालूम है, चार्ज से कैपेसिटी को डिवाइड करके वोल्टेज आ जाएगी, तो पहले वाले की वोल्टेज होगी क्यू अपॉन सी यानी 6 वोल्ट, और दूसरे की वोल्टेज होगी क्यू अपॉन सी यानी 4 वोल्ट। आपने जो किया, अभी मैं और छोटा कर दूंगा, आपने क्या किया, पहले वी ए माइनस वी बी निकाला, वी बी माइनस वी सी लिखा, वी सी माइनस वी ए लिखा, तीनों को ऐड कर दिया, यानी आपने तीनों कंपोनेंट के पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करे। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तीनों कंपोनेंट की वोल्टेज ऐड करी, क्योंकि तीनों की वोल्टेज ऐड करी तो इसीलिए इसको कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे शॉर्ट में केवीएल कहते हैं। किरचॉफ ने ढूंढा था ये तरीका, वोल्टेज जोड़ी जाती है और ये एक लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल। अब इसका शॉर्टकट तरीका देख बेटा, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अब की बार वही क्वेश्चन होगा, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इजी वे में। शॉर्टकट तरीका ये था 2 फैरेड 3 फैरेड, और बैटरी थी आई थिंक 10 वोल्ट की। गौर से सुनिएगा,
चार्ज इस पर था प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। शॉर्टकट तरीका क्या है, आप किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करें, गौर से सुन रहे हो, किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करो, जैसे ही कैपेसिटर आए तो क्यू अपॉन सी लिख दो, बैटरी आए तो उसकी वोल्टेज लिख दो। ना तो आपको लिखना है वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी ए, वो पुराने टाइम की बात हो गई। जिससे टकराओगे बस उसकी वोल्टेज लिख देनी है। तो मैं यहां से चला, कैपेसिटर से टकराया, दिमाग जितना लगा सकते हो बोर्ड पे लगा दो। मैं कैपेसिटर की तरफ चला, कैपेसिटर से टकराया, तो मैं लिखूंगा प्लस क्यू अपॉन टू। तुम कहोगे प्लस क्यू, तुम बताओ प्लस क्यू से टकराए या माइनस क्यू से टकराया। फिर चला, फिर टक्कर मारी, फिर चला बैटरी से टकराया, माइनस, वापस वही पहुंच गया जहां से चला था, इक्वल टू जीरो, बन गई लूप इक्वेशन। पिछले वाली लूप इक्वेशन q by 2 q by 3 minus 10 is equal to 0, और ये वाली लूप इक्वेशन q by 2 plus q by 3 minus 10 is equal to 0 एक ही है, लेकिन इसमें दिमाग कितना कम लगाना पड़ा, चलते जाओ, जिससे टक्कर मारी उसकी वोल्टेज लिख दो, कैपेसिटर है तो q upon c लिख दो, बैटरी है तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लिख दो, और इक्वेशन जब जहां से चले थे वही पहुंच जाओ तो इजिकल टू जीरो लिख दो। कोई आपसे कहे इजिकल टू जीरो क्यों लिखा, तो उसका जवाब यह है कि हमने असली मेथड तो ये वाला था, हमने जब इसकी वोल्टेज लिखी तो हमने वी ए माइनस वी बी लिया, जब इसकी वोल्टेज लिखी तो वी बी माइनस वी सी लिया, और जब इसकी वोल्टेज लिखी तो वी सी माइनस वी ए, उन तीनों को ऐड करा तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस ए किया, जो कि जीरो होना ही था। समझ गए? कोई भी कंपोनेंट छूटे ना, शर्त यह है जहां से चलोगे वहीं रुकोगे। अब तुम देखो कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल कितने आसानी से हो जाते हैं। कल जिन क्वेश्चन को लिखने में पूरे पूरे पेज भर गए थे, एग्जाम में कोई उस मेथड से नहीं करेगा, वो सिर्फ इसलिए सिखाए गए थे कि यहाँ बच्चों को पता होने चाहिए। एग्जाम में हम करते हैं इन मेथड से। अब इसमें जरा कुछ एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, इसे सॉल्व नहीं कर रहा, ये वाला तो डिलीट कर दो। अब मैं ले रहा हूं थोड़ा सा टिपिकल, दिमाग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। देखिए बेटा, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है, बहुत ही आसान है, पहली बार में समझ में आ जाएगा। ये 10 मेरे पास 1 फैरेड का कैपेसिटर, 2 फैरेड, ये 3 फैरेड, 12 वोल्ट बैटरी। याद आ गया होगा कल करवाया था, लेकिन आज तरीका अलग है, तो और से सुनना। बैटरी की बिगर प्लेट ने चार्ज दिया प्लस क्यू, अगले पर चार्ज आया जिससे इसने कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस आया, जिससे इलेक्ट्रॉन लिए उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस या प्लस क्यू, पूरा बोलो, जिससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर चार्ज आएगा, लेकिन इसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन तो इससे लिए हैं और थोड़े इलेक्ट्रॉन इससे लिए हैं। मान लो मैं कहूं सारे इससे लिए हैं, क्यों भाई इसके चार्ज का लड़का रखता है, ये जिसके टच में है उससे लेगा, दोनों के टच में है दोनों से लेगा, तो दोनों पे मिला के आएगा प्लस क्यू, क्यू बाई टू, इसलिए नहीं करेंगे, एक टू फैरड एक थ्री फैरड, कब तक किसी से ज्यादा ले लिए किसी से कम। सपोज करो मेरे को जरूरत है 1000 रुपए की, मैं 2 जनों से मांग के ले आया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है मैंने 500 लिए, हो सकता है किसी एक को मैंने ज्यादा मोटी आसानी देख के 800 ले लियो, दूसरे से 200 ले लियो, तो मैं ये नहीं कह सकता किसने कितना दिया, लेकिन ये कह सकता हूँ कि दोनों पे मिला के प्लस क्यू आएगा। यदि दोनों पे मिला के प्लस क्यू आएगा तो एक को कह दो क्यू वन, देख जितना ध्यान से सुनोगे दिमाग को घुस जाएगा, एक को कह दो क्यू वन, दूसरे को कह दो क्यू माइनस क्यू वन। अब बताओ क्यू वन और क्यू माइनस क्यू वन का सम क्या है, क्यू। यदि आप क्यू माइनस क्यू वन में क्यू वन जोड़ दे तो क्यू आ जाता है, यानी बेटा मैंने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों से मिला के प्लस क्यू है। अच्छा, इस पर है क्यू वन,
तो सामने होगा माइनस क्यू वन, सामने होगा माइनस क्यू वन, इस पर क्यू माइनस क्यू वन, तो सामने होगा माइनस क्यू माइनस क्यू वन। हर कैपेसिटर पे चार्ज बना दिया, कितने वेरिएबल्स का यूज हुआ? दो। एक मुझे फिगर में Q लिखा दिख रहा है और एक Q1। यदि मैं Q और Q1 दोनों निकाल लूं तो मेरे को सारे आंसर मिल जाएंगे। आप ये बताइए, इस पर चार्ज कितना था? प्लस Q। इस पर कितना हुआ? माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे लिए उस पर क्या आएगा? प्लस Q। लेकिन इसने थोड़े यहां से लिए, थोड़े यहां से लिए, तो दोनों पे मिला के प्लस क्यू आएगा, यानी दोनों का सम प्लस क्यू होगा। तो जब दोनों का सम प्लस क्यू है, तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि एक है क्यू वन और एक है क्यू माइनस क्यू वन, क्यू वन और क्यू माइनस क्यू वन का सम प्लस क्यू है, यानी दोनों को मिला के प्लस क्यू है। और जब इधर आ गया क्यू वन तो अगले पर, और क्यू माइनस क्यू वन तो अगले पर। अब यहाँ पे दो वेरिएबल का प्रयोग हुआ, तो मैं दो लूप इक्वेशन बनाऊंगा। दो वेरिएबल्स का यूज हुआ है, दो लूप इक्वेशन बनेगी, कहीं से भी शुरू हो, कहीं पे भी पहुंच जाओ। पता है, अटेंशन बड़ी जबरदस्त चाहिए इसमें। थैजी, मैं यहां से चलूंगा और घूम के यहीं आ जाऊंगा। चल भाई बोलो, अब लूप इक्वेशन बनाने में तो हेल्प करो। क्यू माइनस क्यू वन अपॉन टू क्यू अपॉन सी, अपना लॉजिक लगाओ, माइनस बस पहली प्लेट का लिखना है। कई बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, वो फिर खत्म ही हो गया, सिर्फ पहली प्लेट का। तो Q माइनस Q1 अपॉन टू माइनस Q1 अपॉन थ्री इज इक्वल टू, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, और ये बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो इज इक्वल टू जीरो। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। एलसीएम हो गया सिक्स, थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू वन माइनस टू क्यू वन इज इक्वल टू जीरो। तो Q1 is equal to यही हुआ ना, 3Q minus 3Q1 minus, हाँ सही तो है, minus 2Q1, सही आ गया। तो minus 5Q1 plus 3Q is equal to 0, तो Q1 is equal to 3Q by 5। अभी आंसर नहीं आया, अभी एक इक्वेशन और बनेगी, आंसर आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन फिर आप बनाने की कोशिश करो, शर्त यह है अब की बार कोई और लूप पकड़ो, जहां से चलो वहीं पहुंचो। अब की बार मैं यहां से चलूंगा और घूम करके यहीं पे आ जाऊंगा, क्लोज लूप पे लगेगी। चलना शुरू करा, घूमते रहो, पहले तो ये इसका प्लस क्यू बाई प्लस क्यू वन अपॉन थ्री माइनस इक्वल टू जीरो। आपने क्या देखा? कई बच्चे कहते हैं सर ऊपर से भी जा सकते थे, भैया किसी भी एक तरफ से चले जाओ, दोनों को कवर नहीं करना। या तो आप यहां से चल के यहां से आ जाओ, या फिर यहां से चल के यहां पर आ जाओ, आंसर एक ही आने वाला है, दो अलग अलग आंसर नहीं हो सकते। वो अगला क्वेश्चन है, उसमें दो सीरीज हो, पैरेलल हो, सबके बनेंगे, अभी सारे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब इस इक्वेशन में Q1 की वैल्यू रख दो, Q प्लस U1 की वैल्यू है 3Q by 5, 3Q by 5 डिवाइडेड by 3, नहीं लो मिटा के कर दे रहा हूं, Q की वह ये है Q1 बाई थ्री, ठीक है। अब मैं Q1 तो लिखूंगा नहीं, Q1 की जगह क्या लिखूंगा, Q1 की जगह लिखूंगा 3Q बाई 5 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो,
तो ये हो जाएगा 6q/5=12, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 कूलम। q इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10। अच्छा q हो गया 10 कूलम तो q1 भी आ गया, q1 था 3q/5, तो 3/5 of 10 यानी कि बेटा 6 कूलम। अब मुझसे किसी भी कैपेसिटर की चार्ज और वोल्टेज पूछ लो, बता दूंगा। मतलब ये q और q1 याद रखना है, एक तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, और अब मुझे बताना शुरू करो इस वाले कैपेसिटर का चार्ज क्या है q। हमेशा कौन सा बोलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? कितना है q की वैल्यू? 10 कूलम। तो इसका चार्ज कितना है? 10। और कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी क्या है फिर से? चार्ज कितना है, कैपेसिटी कितनी है, और वोल्टेज कितनी है q / c? 10 वोल्ट। भाई देख जवाब जरूर देना, पहले बताओ इसका चार्ज कितना है, कैपेसिटी कितनी है, वोल्टेज कितनी है, q/c यानी 10 / 1 0। इसका चार्ज कितना है देख के बताओ, q1 हमेशा प्लस वाला बोलना, चार्ज कितना है 6 कूलम, कैपेसिटी क्या है, चार्ज कितना, कैपेसिटी, वोल्टेज, इसका चार्ज कितना, q माइनस कूलम, फिर से चार्ज, कैपेसिटी, वोल्टेज, इसकी वोल्टेज क्या आई थी और इसकी वोल्टेज भी क्या आई, पैरेलल में वोल्टेज सेम होनी चाहिए थी। उससे आसान है कल वाले से, टाइम अभी इसलिए लग रहा है कि लाइफ में पहली बार कर रहे हो, कोई नहीं अभी जहाँ एक दो न्यूमेरिकल और हो तुम्हें पक्का हो जाएगा, लेकिन मन से बताना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ टाइम, मैं तो हमेशा कहता हूँ टाइम पास करने से अच्छा है कि ना आओ, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यदि आओ तो फिर कुछ सीख के जाओ। जब सामने वाला भी लेबर कर रहा है, आपने भी एफर्ट कर ही दिया, क्लास में पहुंच ही गए, तो फिर हर वर्ड को सुनो, आना तभी फ्रूटफुल है बेटा। पेरेंट्स ने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं तुम लोगों से, और उन सपनों को पूरा करने का समय है। आज का बेकार किया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा सिवाय पछतावा होने के। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, यदि आप क्लास में गए और एक दिन बिना सुने आ गए, ये बात याद रखना, कहीं ना कहीं वो एक दिन अगले तीन दिन को इम्पैक्ट डालेगा, और जब वो तीन दिन इम्पैक्ट होंगे तो पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं फ्लो टूट जाता है। मेरे बेटा मेरी इच्छा ये है कि क्लास में आओ तो जी जान लगा करके पढ़ के जाओ। मुझे पता है गर्मी भी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ना तो है, ये कोई एक्सक्यूज तो हो नहीं सकता कि सर गर्मी थी इसलिए नहीं आए, मन नहीं खराब होने। यदि रियल जेन्युइन रीजन है घर पे रुको, जेन्युइन रीजन नहीं है तो क्लास में पहुंचो। अब देख रहा हूं कौन कितने अटेंशन से सुन रहा है, अगले वाला बिल्कुल इसके जैसा होगा, करेंगे आप, मतलब मेरे साथ करेंगे, बताएंगे आप। बेटा अगला है ये लो, दो लगा दिए यहां पर, शुरुआत कर देते हैं। मैंने डिजिट्स आसान रखी है क्योंकि हमें डिजिट से नहीं खेलना, कैलकुलेशन देखनी। बैटरी से चार्ज चला, हमेशा पॉजिटिव से चला करो, बैटरी से चार्ज गया, अगले बार माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, जिससे लिए उस पे क्या आएगा, एक से लिए दो से लिए तो दोनों में मिलके क्या आएगा, प्लस क्यू, दोनों में मिलके, तो इसका मतलब एक तो इससे लिए होंगे और इससे लिए होंगे, वो इसके आगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो इससे है ना, तो तुम बताओ किस पे, दोनों पे मिला के कितना आएगा, प्लस क्यू, फिर से दोनों पे मिला के क्या आएगा, तो एक को क्यू वन ले लो और एक को क्यू माइनस क्यू, हो गया प्लस क्यू। अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्यू वन लिखे या नीचे लिखे, एक को क्यू वन, एक को क्यू माइनस क्यू वन। अच्छा यदि सर क्यू माइनस क्यू वन है तो आगे क्यू वन है तो अगले पर, अगले पर और अगले पर, लूप इक्वेशन कितने वेरिएबल का यूज हुआ, दो,
कौन कौन से? तो दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन से सॉल्व होंगे। इक्वेशन कहीं से भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा एक आएगा। यहाँ से चलो, मैं लिख भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, यहाँ से चलो बोलते रहो, जो जल्दी बोलेगा इसका मतलब उसे समझ में आ गया। फिर से बोल, माइनस क्यू माइनस क्यू और अपॉन टू इक्वल टू जी। चल अब बोलना जरा, मैं देख नहीं रहा। क्यू वन बाई फोर माइनस, ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? फोर क्यू वन प्लस क्यू वन माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू वन, ब्रैकेट खोल दी, इज इक्वल टू सॉल्व कर लेना, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू बाई टू आ गया। सेकेंड इक्वेशन, सेकंड में भी जहां से चलना है वही रुकना है, रास्ता कोई सा भी पकड़ो, क्लोज होना चाहिए, आपकी मर्जी, यहां से चल के यहां से आके रुके तो भी वही आंसर आएगा, आप यहां से चल के यहां आके रुके तो भी वही आएगा। लेकिन हाँ ये मत करना यहां से चल के यही रुक गए, क्योंकि ये तो वही रिपीट हो जाएगा। तो मैं यहां से चला, अच्छा यहां से चल सकते हैं, हाँ कहीं से भी, तो मैं यहां से चला, बोलो बेटा क्यू बाई फोर, कहीं से भी चल दो, क्यू माइनस क्यू वन बाई टू माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, ये यहां पर वापस पहुंच गया तो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा इसमें क्यू वन की वैल्यू है क्यू बाई टू, ओरली कर रहा हूं, क्यू माइनस क्यू बाई टू, क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू, क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर प्लस क्यू बाई फोर, क्यू बाई टू, क्यू इज इक्वल टू 20 कूलम, क्यू इज इक्वल टू 20 कूलम, तो क्यू वन कितना है इसका हाफ, तो 20 का हाफ 10 कूलम। अब मुझसे आप किसी का भी चार्ज और कैपेसिटी, वो चार्ज और वोल्टेज पूछ लो, बता दो बेटा इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है 20 कूलम और कैपेसिटी कितनी है, तो वोल्टेज क्या आ रही है, एक का और बता दो इसका चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू वन कितना हो गया 10 कूलम, कैपेसिटी क्या है, तो वोल्टेज क्या आएगी, बस इस वाले का और बता दो कोने में छुपा बैठा हुआ है, चार्ज 20 और 10 देना है, क्यू वन है ना, क्यू वन मीन्स 10, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, कैपेसिटी क्या है, तो वोल्टेज क्या आएगी, 2.5, अच्छा 2.5 इसकी, 2.5 इसकी, 5 वोल्ट हो गए, ये भी 5 है, पैरेलल में सेम होना चाहिए, कल वाला मेथड ही सीधा, ये वाला इजी है, लूप इक्वेशन इसमें जरा सिस्टमैटिक है। अच्छा कई स्कूल्स में दोनों मेथड नहीं कराते, कोई सा एक करा देंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में दोनों एप्लीकेबल है, कोई सा भी कर दो, कई बार हो जाता है क्योंकि सारे न्यूमेरिकल उससे भी हो जाते हैं इससे भी, तो कुछ स्कूल्स में टाइम बचाने के लिए एक मेथड बता देंगे दूसरा छोड़ देंगे, तो उन्हें दिखा लेना कि सर इस वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं, तो मैंने तो दोनों ही सिखा दिए, कल वाले में लेंथी बहुत ज्यादा था लिखना, V1234 C1234 Q1234, तो ये वाला हम कर लिए। एक और न्यूमेरिकल लास्ट है, बस 5 मिनट दे दो, लूप इक्वेशन ही तो बनानी है। देखो बेटा ये यहां पर आया कैपेसिटर, स्कूल चल रहे हैं अभी बंद हो गए, जरा दिया था स्कूल आज, बोल रस्ते से गया 10 वोल्ट, देख 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 1 फेरेड 2 फेरेड 2 फेरेड 1 फेरेड, ध्यान से सुनिए और करिए, हमेशा बैटरी की पॉजिटिव से शुरुआत करता हूं मैं, बैटरी यहां है, बैटरी ने दिया चार्ज प्लस क्यू, आइए पर माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे लेगा उस पर क्या आएगा प्लस क्यू, लेकिन किससे लेगा, इस वाले से और इस वाले से भी, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट है दोनों से लेगा, जिसको ये बात समझ में आ गया बताओ, एक से लेगा दो से, दो से लेगा ये चार्ज, अब इसने इससे भी लिया और इससे भी लिया,
तो इस पर आ जाएगा एक पर लिख दो q1 और एक पर q माइनस q1 q माइनस q1 तो अगले पर अच्छा यहां q1 अब तो ये पक्का हो चुका अगले पर माइनस q1 नेक्स्ट पर माइनस q1 इक्वेशन तो मैंने बोल ही दो लिखना तो बेकार ही है लेकिन आवाज एक साथ आनी चाहिए एक सुर में समझने लायक मैं कलर चेंज कर दूं ऑरेंज इधर देखो चल भाई यहाँ से चल के यहीं आ रहा हूँ देर लगा दी मैंने कहा था तुरंत आवाज आनी चाहिए प्लस क्यू वन अपॉन टू प्लस क्यू अपॉन वन बोलो प्लस वन इजी कर दो बहुत मुश्किल इजिकल टू जीरो कब लिखते हैं और वो क्यों क्योंकि वो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस इसलिए आएगा वो अच्छा अब की बार यहाँ से चल के यही रुकूंगा और सुनो इसमें भी तुम्हारी आजादी है यहाँ से चल के ऐसे आके रुको तो भी आंसर वही आएगा और यहाँ से चल के ऐसे रुको तो भी आंसर सही आएगा अब फिलहाल तो मेरे को बता दो बिना यहाँ पर क्यू माइनस क्यू वन अपॉन वन क्या दोनों को सॉल्व करके q और q1 निकाल लोगे और लास्ट में टेबल बना के आंसर लिख देना सबके चार्ज के एब्सोल्यूट वोल्टेज तो ठीक है बेटा ये था आज के लिए बाकी पढ़ाई कल फिलहाल के लिए बाय बाय ओके।